नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एसबी न्यूज में। आइए लुक करते हैं कुछ खास खबरों की। बड़ी खबर बिजनौर से, जहां दिव्यांगों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर डीएम व एसपी कार्यालय का किया घेराव। वहीं अमर पासा ने कहा कि दिव्यांगों की मांगे पूरी न होने पर 5 सितंबर को की जाएगी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। आइए देखते हैं कुछ स्पेशल रिपोर्ट में। आजकल अपडेट में घेराव हुआ है, एसपी साहब का घेराव हुआ है, क्या मांग है? देखिए साहब, हम राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के नाम से संगठन चलाते हैं, जिसमें विकलांग, विरत, विधवा, युवा और गरीब वर्गों के लिए ये संगठन चलता है। लगातार इन वर्गों की उपेक्षा हो रही है, इसी के अस्त्र होने के बावजूद हमने ये निर्णय लिया। कप्तान साहब का घेराव किया, थानों में हमारी सुनवाई नहीं होती हमारे लोगों की, और कलेक्ट्रेट में किसी भी सरकारी कार्यालय में सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने एसपी साहब का घेराव किया और यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय का घेराव किया। डीएम साहब आज यहाँ नहीं मिले हमें, लेकिन सीडीओ साहब आने वाले हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं उनकी सुनवाई हो, सबके अंत्योदय कार्ड बने, सबके आवाज़ बने, और सबकी जो भी थानों में समस्याएं हैं उनका तुरंत निस्तारण 24 घंटे के अंदर अंदर हो। हम यही चाहते हैं कि हमारे वर्गों की मान सम्मान हो और उनकी सुनवाई एकदम 24 घंटे के अंदर निस्तारण होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि उत्पीड़न होता है विकलांगों का, किस तरह से उत्पीड़न होता है, कौन से सरकारी कार्यालय? देखिए, सबसे ज़्यादा पुलिस और सरकारी विभागों में उत्पीड़न होता है। पुलिस थानों में जब दिव्यांगजन अपनी समस्या लेकर जाता है तो उसकी समस्या ले लेते हैं, लेकिन पैसा ना देने के कारण पुलिसकर्मी उसकी सुनते नहीं है, उसको थाने से भगा देते हैं, उसका मतलब सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पाती, यहाँ तक कि उसका कार्रवाई नहीं होती। इसी की ऐसा अस्त्र होकर हम लोगों ने एसपी साहब का घेराव कर उनको बताया है कि हम लोगों की सुनवाई हो, एक ऐसा ही अलग से थाने में दिव्यांगों की समस्या के लिए रखा जाए।